नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में नहीं उतर रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक कांग्रेस ने जिस तरह से 144 नामों की घोषणा की है या समाजवादी पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों की घोषणा की है और आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, ऐसे में कई सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि जो इंडिया गठबंधन है वो केंद्र के लिए बना है, यानी लोकसभा चुनाव के लिए बना है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर फिलहाल चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने की खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में थी। कोशिश ये थी कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले हैं या यादव समाज के बहुल जिले हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन होता तो वहां पर समाज गठबंधन को जीत मिलती और वहां से जरूर समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ने की उम्मीद थी, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था वहीं एक विधायक समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर आए थे। तो इसलिए समाजवादी पार्टी सोच रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरे, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव जरूर चाहते थे कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरे, क्योंकि उनकी भी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमारी भी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस के नेता जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए ये गठबंधन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं हो सका है।